बात करेंगे दोस्तों मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले व्यक्तियों को क्या उपाय करना चाहिए, जो 7 मार्च को राहुदेव आए हैं, ये आपके सितंबर 2020 तक आपकी राशि में क्या इफेक्ट करेंगे, छठे घर में गोचर करेंगे। तो राशि क्या हुई आपकी, मकर। मकर से राहुदेव, मकर कुंभ मीन मेष वृक मिथुन करक। तो मिथुन कहाँ हुई, छठे घर में। तो छठे घर में शत्रु को दबा देंगे राहुदेव, शत्रु को तो खत्म ही कर देंगे। मकर राशि वालों को खुशखबरी कि दुश्मन एकदम टिक जाएगा आपका। छोटे मोटे रोग, छोटी मोटी बीमारियां तंग करेगी, खुशियां बहुत मिलने वाली हैं। हां, करियर में, जॉब में प्रमोशन आपकी पक्का समझो हो गई। छठे घर में मिथुन राशि के राहु, 12 घर में कहां चले गए, केतु महाराज। तो फॉरेन ट्रेवल, यात्राएं ज्यादा, खर्चे बहुत होने वाले हैं। मकर राशि वालों की तसल्ली हो जाएगी, इस वर्ष में इतने खर्चे होंगे कि नानी याद आ जाए। बैंक के हालात, कर्ज लेन देन सावधान रहिएगा, थोड़ा बैंक से लोन वो सोच समझ के लीजिएगा। लोन तो लेना ही पड़ेगा, कर्ज तो चढ़ेगा। बारवां केतु, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के हालात से बिल्कुल बच के रहिएगा। पता चले कुछ, समझ पा रहे हैं, तो इसलिए मकर राशि को बिल्कुल सावधान रहना है। और मकर राशि वालों के लिए उपाय स्पेशली क्या है, मकर राशि वाले अगर बैंक से आप चीटिंग नहीं करते, फ्रॉड नहीं कर रहे, गलत काम नहीं कर रहे, तो भैरव मंदिर में जा करके एक नारियल चढ़ाया आना, प्रार्थना करके संडे के दिन, एतवार के दिन, रविवार के दिन, ऐसा करने मात्र से बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, शराब अगर आप पीते हैं तो थोड़े कंट्रोल रखिएगा, बाकी सब बहुत बढ़िया।